आपने देख रहे हो ना, ये वो दवा है जो हमारे रंग को गोरा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है हमारा रंग फेयर हो, हमारा रंग गोरा हो। इसके लिए हम बहुत सारी होम रेमेडी भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमेशा ही होता है वो कभी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही कमाल की होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ये आपके रंग को फेयर बनाएगा, साथ ही आपके स्किन में एक ग्लो भी लाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये होम रेमेडी बना के भी बताऊंगी, इसको यूज करके बताऊंगी, और इसका जो रिजल्ट होगा आपके आंखों के सामने होगा। दोस्तों, इस होम रेमेडी को आप अपने हाथों में, पैरों में, घुटने में, कोहनी में, अंडरआर्म्स में, गर्दन के पीछे, पीठ में, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हो और अपने रंग को फेयर कर सकते हो, और जो शरीर का कालापन है उसे दूर कर सकते हो, टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, डेड स्किन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। दोस्तों, ये होम रेमेडी बहुत ही कमाल की है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। वीडियो जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हम लोग इस होम रेमेडी को तीन पार्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे स्टीम। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी ले लिया है। सेकंड पार्ट में हम लोग करने वाले हैं स्क्रब। स्क्रब करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया नमक और यहाँ पे लिया सोडा, ये है खाने वाला सोडा। और तीसरी चीज़ ले रहे हैं, ये है नारियल ऑयल। नारियल ऑयल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हमारा जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा पैक। तो पैक के लिए मैंने कुछ सामान यहाँ पे ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पैक को तैयार करके रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया चावल का आटा। चावल का आटा लगभग 2 चम्मच मैं यूज कर रही हूँ। चावल का आटा हमारे रंग को साफ़ करने और गोरा निखार लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दूसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है दूध। मैंने यहाँ पे कच्चे दूध का ना इस्तेमाल करके उबले हुए दूध का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे पास कच्चा दूध नहीं था। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होती है, साथ ही हल्दी हमारे रंग को फेयर करती है। चौथी जो चीज़ है वो है शहद। शहद भी बहुत अच्छा होता है, इसमें भी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जमे हुए शहद का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो मेरा शहद था वो जम गया है। अगर आपका शहद भी जम गया है तो उसको यूज कर सकते हो, वो उतना ही बेनिफिशियल होता है जितना कि बाकी जो शहद होते हैं उतना ही बेनिफिशियल ये वाला भी शहद है। तो इसे फेंकने की जगह आप उसको होम रेमेडीज़ में यूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे, तो दूध को थोड़ा थोड़ा ही ऐड करिएगा ताकि लम्स ना पड़े। दोस्तों, जब हम इसे बॉडी पे लगाते हैं और जब ये सूख जाता है ना, तो अक्सर हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से चिपक जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ना कोई ऑयल ऐड कर दें। मैं नारियल तेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो जिससे ये आसानी से साफ़ हो सके। दोस्तों, हमें इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा रखना है, तो आप यहाँ गुलाब जल भी यूज कर सकते हो। मेरे पास गुलाब जल नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है और फिर मार्केट से मंगाना पड़ेगा, तो मैं जो है ना यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप कोई भी नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गुलाब जल इस्तेमाल कर सकते हो। और हमें इसका ये जो पेस्ट है बहुत गाढ़ा नहीं तैयार करना है। अभी हम इस पेस्ट को बना के रख देंगे, पहले स्क्रब करेंगे। तो रखे रखे ना ये पेस्ट गाढ़ा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे पतला ना रखिए, बहुत ज़्यादा ऐसे गाढ़ा ना रखिए। ज़रूरत है तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पेस्ट है वो बन के तैयार है, और इसे एक साइड में रख देते हैं और चलिए अब स्क्रब करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं स्टीम। तो स्टीम के लिए मैंने यहाँ गुनगुना पानी ले लिया था। दोस्तों, स्टीम अगर आप फेशियल करने वाले हो या फिर आप अपने गर्दन के पीछे की जो मैल है उसे साफ़ करने वाले हो, अपने घुटने और कोहनी या फिर बॉडी में किसी भी स्किन वाइटनिंग के लिए आप कोई भी फेस पैक लगाने वाले हो, तो स्टीम ज़रूर करिए। स्टीम क्या होती है ना कि हमारे जो ओपन पोर्स हैं उन्हें ओपन कर देती है, जिससे धूल मिट्टी जो गंदगी है वो आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टॉवल की मदद से मैं स्टीम कर रही हूँ। तो टॉवल इस पानी में डिप करने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दिया है, और कुछ इस तरह मैं अपने पूरे हैंड में, मैं एक हैंड में आपको ये जो होम रेमेडी है वो करके दिखाऊंगी। तो मैं अपने इस हैंड में अच्छे से मैं टॉवल की मदद से स्टीम ले रही हूँ। आपको स्टीम केवल 2 से 3 मिनट ही लेना है, हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाए और जो पोर्स है वो ओपन हो जाए। तो मैंने अपनी अपने जो हैंड है उस पर स्टीम ले ली है। अब हम लोग चलो स्क्रब करते हैं।
तो चलिए हम लोग अपना DIY स्क्रब तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है नमक, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ खाने वाला सोडा, और ले रही हूँ नारियल तेल, और इन तीनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे। हमारा DIY स्क्रब बनके तैयार है, तो चलो इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करूँगी अपनी कोहनी में। दोस्तों कोहनी, अंडर आर्म्स और घुटने का कालापन इस्तेमाल करने में ये स्क्रब जो है बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। लेकिन दोस्तों इस स्क्रब को हम फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सोडा और नमक का इस्तेमाल किया है, जो हमारे स्किन के लिए, फेस की स्किन ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, वहाँ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैल जमी हो, जैसे गर्दन के पीछे, वहाँ पर ये स्क्रब आप कर सकते हो। तो हम हाथों पर ये स्क्रब करने वाले हैं, और इस स्क्रब को हम 2 से 3 मिनट ही करेंगे। हमें ये जो स्क्रब है इसे हल्के हाथों से करना है। मेरा स्क्रब कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम जो टॉवल है जिससे हमने गुनगुने पानी की स्टीम ली थी, उसी टॉवल से हम अपने हैंड को साफ़ कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके हाथों में कट है, चोट लगी है, तो उसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये नमक है और चोट पर, और जब हमारा हैंड हाथ जल जाता है, कहीं पर भी जल जाए, नमक लगाने पर ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब आप ये DIY स्क्रब नहीं इस्तेमाल करें। हमने स्क्रब कर लिया है, अब बारी है पैक की। तो हमने यहाँ पे ले लिया अपना पैक और इसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये पैक गिर गया तो जो मेरा मैट है वो गंदा हो जाएगा, तो मैं एक टॉवल यहाँ पे डाल देती हूँ, और उसके बाद इस पैक को अपने हाथों पे अप्लाई करती हूँ। दोस्तों इसे ना, इस पैक को हम लोग हैंड पे तब तक छोड़ेंगे जब तक ये आधा ना सूख जाए, और उसके बाद इसे रिमूव कर देंगे। तो चलिए इसे आधा सूखने के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। जो हमारा पैक है वो हल्का हल्का सूख गया, पूरा नहीं सूखने देना है, हल्का हल्का से थोड़ा सा गीला रहने देना है, और इसके बाद हमें यूं स्क्रब करके निकालना है। ठीक है, इस तरह आप निकालेंगे तो ये जैसे उपटन होता है ना, वैसे ही ये निकलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ हमारी जो डेड स्किन है, जो सांवलापन है, वो भी रिमूव होगा। दोस्तों अगर आप अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं तो इस होम रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हफ्ते में 2-3 बार करिए, आपके जो अनचाहे बाल हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हमें इस होम रेमेडी को अप्लाई करना है। आप इसे बॉडी के किसी भी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, और बस याद रखना जो हमने स्क्रब इसके साथ इस्तेमाल किया है उसे फेस पे अप्लाई नहीं करना। फेस को गोरा बनाने के लिए ये होम रेमेडी बहुत ज़्यादा कारगर है। तो मैं इसे साफ कर लेती हूँ। ये देखिए कोहनी का भी जो कालापन है वो निकल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर इस तरह ये सूख जाए, ना निकले, तो हल्का सा ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने वाली हूँ। हाँ, ये कोकोनट ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा हाथों में लेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छे से रगड़ के निकालना है, बहुत तेजी से रफ नहीं करना है, ठीक है। और फेस पे तो इतने तेज़ी से रफ ना करिए, हाथ पैर में आप थोड़ा सा अपने हाथों का दबाव कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो हमने फेस पैक लगाया था, ठीक है, चावल और हल्दी दूध का, वो हम हटाते हैं। आप देख सकते हो उसका रिजल्ट, दोनों हाथों में आपको फर्क साफ नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिला। मैं एक बार हैंड वॉश करके आपको दिखाती हूँ। ओके, कैमरा जो है वो स्टैंड से गिर गया था, और मैंने हैंड वॉश कर लिया है एक टॉवल की मदद से। मैं अपना जो पानी है उसे पोंछ लेती हूँ, एंड आप देख सकते हो कोहनी जो है वो बहुत साफ हो गई है, और हाथों में जो फर्क आपको साफ साफ नजर आएगा। ये थोड़ा सा कट गया था मेरा हाथ,
ठीक है। और आप देख सकते हो रिजल्ट नजर आ रहा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इस होम रेमेडी को आप ट्राई करोगे ना, तो उसके बाद आपकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। हमने इसमें नारियल का तेल मिलाया था, तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कोई भी एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर आप अपने इसको यूज करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। तो दोस्तों इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपका जो भी अनुभव रहा मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ, कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। इस होम रेमेडी को लेकर, इस वीडियो को लेकर कोई भी मन में सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद नहीं आए तो अनलाइक भी करिएगा, अनलाइक का बटन आपके लिए है। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।